तो हरियाणा की चौथी विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है और आज के दिन की शुरुआत हुई थी राज्यपाल के अभिभाषण से और उसी अभिभाषण पर सदन में चर्चा जारी है। सदन में चर्चा के दौरान सबसे पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बाद अभय सिंह चौटाला ने चर्चा की। सबका साथ सबका विकास, ऑनरेबल मेंबर सारे सुन रहे हैं जी। एक ऑनरेबल एमएलए चाहे वो ओपोजिशन का है चाहे पोजिशन का, उसको पता है जी कौन सी गली बननी है, कौन से रास्ते बनने हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो इसमें मेरा गुजारिश आपसे भी है, मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं बैठे, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, एक बार बीच में थोड़ा सा हुआ था, अगर हर ऑनरेबल मेंबर को, जैसे मंत्री एक स्टेटस है, लेकिन मंत्री वो जब है जब वो ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल एमएलए का स्टेटस जो है वो इक्वल स्टेटस है, तो उसको भी जो है डिस्क्रिशनरी जो ग्रांट है वो 5 करोड़ रुपए हर मेंबर को दी जानी चाहिए ताकि सबका साथ सबका विकास में ये शामिल हो सके। बताओ जी, बताओ डांडा साहब। मेरा नाम नहीं, इसमें मेरी मेरा ये सजेशन है जी, जब ये मेरा मेरा सबका साथ सबका विकास, मेरा आप क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम, ऐसा है जी, सबका साथ सबका विकास, इसमें उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, खजाने की प्रोपोर्शनेटली यूटिलाइजेशन हो, इस पर हमारा ध्यान जाए तो हम हर मेंबर को डिस्क्रिशन ग्रांट जो है अलॉट करेंगे। और वो तो उस टाइम हमारे, एक मेरा निवेदन है जी, मुख्यमंत्री जी नहीं बैठे, बगैर किसी कसूर के, अब तो कप्तान साहब भी यहाँ नहीं है, उनकी कोठी के नाम से भी कुछ लड़के जो है वो जेलों में बंद हैं, ये कॉलेज के लड़के हैं जी, और बहुत जो परिवार जो है वो उजड़ने के कगार पर चले गए, उनके बच्चों की शिक्षा बंद हो गई, उनके जो बच्चे पढ़ लिख के आगे जाना थे परिवार के उसमें जो है मदद करते, वो बच्चे हमारे सैकड़ों लड़के बंद हैं। तो माफीनामे का, क्योंकि फर्स्ट सेशन है इस 14वीं विधानसभा का, और फर्स्ट सेशन में गेस्चर दिखाएं हम कि भाई जो बच्चे निर्दोष बच्चे उनको माफीनामा देकर उनको छुड़वाया जाए, नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसा ट्रेडिशन चला जाएगा कि भाई कोई अपने हकों की लड़ाई भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में हकों की लड़ाई लड़ना उसका जो है फंडामेंटल राइट है, वो उससे भी करता हुआ वो झटकेगा कोई प्रोसेसन या प्रदर्शन या कोई आंदोलन। तो मेरा ये निवेदन है, मुख्यमंत्री जी नहीं बैठे, डिप्टी सीएम बैठे हैं, आप इस पर विचार करें और एक ये सीरियस मैटर है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा गेस्चर जो है आप दिखाओगे तो एक इसका मैसेज जाएगा, आपकी फराक दली का, आपकी संवेदनशीलता का एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। मैं ज़्यादा क्योंकि नए मेंबर्स को टाइम दें, मेरा पोल्यूशन के बारे में मैं एक मान जरूर कहूँगा जी, क्योंकि आई एम कंसर्न विद दी थिंग, किसान को बहुत बदनाम करने की एक बहुत एक षड्यंत्र है ऑनरेबल स्पीकर सर, एक गहरी साजिश है, और इस साजिश का पता लगाने के लिए अगर कोई रिसर्च हो तो इसमें आएगी बात, क्योंकि किसान और गांव के लेवल पर तो प्रदूषण घटा है, हर परिवार में अगर 3000 परिवार एक बड़े गांव में हैं, उस परिवार में दूध की हांडी भी चढ़ती थी गोस्से के ऊपर, उसमें बाखर और गंडोले की भी चढ़ती थी, उसमें 3-3 बार रोटी पूती थी, उसमें जानवरों को अगर मच्छरों से बचाना है तो हरा घास जो नहीं खाया जाता था छोड़ देती थी, वो सारी रात सलगता था हर घर में पोल्यूशन, और उसके अलावा पराली भी जलती थी। उस सिस्टम में तो किसान के लेवल पर तो प्रदूषण घटा है, प्रदूषण बढ़ा क्यों है ये एक रिसर्च का मैटर है, कितने व्हीकल बढ़े हैं, कौन कौन इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस तरह से हो रहा है, जो किसान मतलब अपने बच्चों का पेट मतलब खाली रख के देश का पेट पालता है उसको बदनाम करने की एक साजिश हो रही है, और एक सुप्रीम कोर्ट तक ये ले जाया गया है, इसकी मैं मतलब जिस ढंग से मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मैं सहमत नहीं हूँ, जो फैसला उन्होंने किसान की बदनामी के साथ जोड़ने का काम किया है, ये ऑनरेबल स्पीकर सर सीरियस मैटर है। एक एक वर्ग जो देश का पेट पालता है,
जो देश की रक्षा करता है, उसका बेटा जो है बर्फीली चट्टानों पर देश की रक्षा करता है। जय जवान जय किसान का नारा अगर फलीभूत करता है तो किसान करता है, उसको बदनाम करने की साजिश इस देश में हो रही है। तो मेरा ये निवेदन है कि इसमें जो है आप चाहे आप एक कमेटी बनाएं, विधानसभा की एक कमेटी बनाएं, उसका रीजन का पता लगे, कितने व्हीकल बढ़े हैं, किस साल में कितने व्हीकल बढ़े हैं, कितनी इंडस्ट्रियां बढ़ी हैं, कितना पोल्यूशन बढ़ा है। तो इस लाइन पर मेरा एक सुजेशन है। तो मैं धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद चिरंजीव राव जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार मुझे सदन में बोलने का मौका मिला। महामहिम के अभिभाषण के अंदर काफ़ी सारी बातें कही गई, उसके अंदर एक मेडिकल के मामले में मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2015 के अंदर मनेठी के अंदर एम्स की घोषणा करी थी और 2018-19 के अंदर खुद प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी स्वीकृति दी थी और चुनाव होने के बाद ये बात आई कि उसको फॉरेंस क्लियरेंस नहीं मिल पाई। तो अब सरकार उसके अंदर जवाब दे कि ये मनेठी के अंदर एम्स बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरा, ये मेरी विधानसभा के अंदर एक गांव है सारणवास, वहाँ पर 5 करोड़ की लागत से पॉलीक्लिनिक खुला हुआ है जिसके अंदर ना कोई डॉक्टर है ना कोई मशीनरी है, तो उसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे। उसके अलावा बात चल रही थी किसानों के बारे में, तो मैं भी पिछले दिनों में अनाज मंडी के अंदर गया था और मैंने वहाँ पर देखा ना तो धान की बिक्री वहाँ हो पा रही है और ना कपास की उठाव वहाँ हो पा रहा है, तो उसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे। जहाँ तक बात रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, हम पिछले 5 सालों से सरकार में सुन रहे हैं, बड़े बड़े नारे सरकार दे रही है, पर आप देखिए मोहनपुर गाँव के बारे में मैंने चर्चा पहले भी करी थी, तब आपने मुझे बोलने नहीं दिया, पर आप देखिए 496 दिन से धरने पे वो लोग गांव के बैठे हुए हैं, उसके ऊपर जरूर हमें ध्यान देना चाहिए और सरकार को उसमें सख्त से सख्त, अभी तक बैठे हुए हैं मंत्री जी, अब तो पता नहीं आप बनेंगे नहीं बनेंगे इस बार तो, पर पिछली बार आप मंत्री थे और आपके घर के बाहर ही बैठे हुए थे। उसके अलावा रेवाड़ी को आवारा पशु मुक्त कहा गया और घोषणा भी करी गई, बड़ी बड़ी विज्ञापन भी दिए गए, पर आप अगर हमारे आप जाएंगे शहरों के अंदर तो आपको आवारा पशु आम नजर आएंगे। तो मुझे लगता है सरकार को आवारा पशु मुक्त कहने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या ऐसा अभी तक हुआ है नहीं हुआ है। जहां तक बात रही पॉल्यूशन के बारे में, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जवाब देंगे, पर मुझे लगता है अगर सबसे ज़्यादा किन्हीं जगहों को उससे प्रभाव डलता है तो हमारे क्षेत्र अहिवाल को ही उसके अंदर पड़ता है, तो सरकार को उसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। और जहाँ तक बात रही ड्रग्स की, तो ये तो पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, इसके ऊपर भी सरकार को सख्त से सख्त कदम आने वाले समय में उठाने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्यगण, अब सदन को 45 मिनट के लिए दोपहर भोज के लिए स्थगित किया जाता है। नीचे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से।